दयालु पिता के कथा। एक दिन यीशु उ बनेच मनसे मल्ला शिक्षा देत रहिस जोन ओकर सुने बर जमा होय रहिन। ई मनसे कर ले वाला और संग मा आने मनसे घोले रहिन जोन मन हर मूसा के व्यवस्था ला पालन करे के कोशिश नहीं करे रहिन। कुछ धार्मिक अगुआ मन हर देखिन कि यीशु ई मनसे मन ले एक झन संगवारी के जैसन गोठियात रहिस। इकर बर ओ मन हर एक दूसर ले ई कहे के शुरू कर दिन कि ओ गलत करत रहिस। यीशु हर ओ मन ला ई गोइठ मन करत सुनिस। इकर बर ओ हर ओ मन ला ई कथा बताइस। एक झन मनसे रहिस जेकर दू झन बेटा रहिन। छोटे बेटा हर अपन पिता ले कहिस, हे पिता, मोला अभी मोर संपत्ति के बांटा चाही। इकर बर पिता हर अपन दोनों बेटा मन के मांझा मा अपन संपत्ति के बंटवारा कर दिस। तुरतेच छोटे बेटा अपन सब कुछ जमा करके दूर देश ला चल दिस और पापी जीवन जिए मा अपन सब संपत्ति ला नष्ट कर दिस। इकर बाद जोन करा छोटे बेटा रहिस उ देश मा एक ठन भयंकर अकाल पड़ी और ओकर ठीक खाना भी सोय बर पैसा नहीं रहिस। इकर बर ओला जोन काम मिलिस ओहर सुरा मल्ला चराय के रहिस। ओहर अतकी दुखी और भूखा रहिस कि ओहर सुरा मन के चारा ला खाए बर चाहत रहिस। आखिर मा उ छोटे बेटा हर स्वयं ले कहिस, मैं इकरा का करत हूँ, मोर पिता के सब नौकर मन ठी खाए बर बनेच ले है, लेकिन मैं इकरा भूखा मरत हूँ। मैं अपन पिता ठी वापस जहाँ और अपन पिता ले विनती करी हाँ कि अपन एक झन नौकर के जैसन मोला राख ले। इकर बर उ छोटे बेटा हर वापस अपन पिता के घर अंग जाए बर शुरू करिस। जब ओहर अभी धुरिहाच मारिस ओकर पिता हर ओला देखिस और ओकर ऊपर तरस खाइस। ओहर दौड़ के अपन बेटा ठीक गिस और ओला गले लगा के चूमिस। उ बेटा हर कहिस, हे पिता, मैं हर परमेश्वर और तोर विरोध मा पाप करे हूँ, मैं तोर बेटा कहलाए के लायक घोले नहीं हूँ। लेकिन पिता हर अपन एक झन नौकर ला कहिस, तुरते जाके सबले बढ़िया कपड़ा लेके आवो और मोर बेटा ला पहनावो। ओकर उंगली मा मुंदरी और गोड़ मन मा जूता पहनावो। फिर सबले बढ़िया बकरा ला मारा ताकि हमन खान और तिहार मनान। काबर की मोर बेटा मर गे रहिस लेकिन अब ओहर जिंदा है। ओहर गंवा गे रहिस लेकिन अब हमन हर ओला पा ले हन। इकर बर मनसे मन हर तिहार मनाए के शुरू करिन। कुछ समय बीते मा बड़खा बेटा खेत ले काम करके घर आइस। ओहर संगीत और नाच के आवाज ला सुनिस और अचंभित होइस, ई का होत रहिस। जब बड़खा बेटा ला मालूम होइस कि ओमन इकर बर तिहार मनात रहिन काबर कि ओकर भाई घर आगे रहिस, तो ओहर बनेच रिसा होइस और घर मानी गिस। ओकर पिता हर बाहर आके ओकर ले ओमन के संग तिहार मनाए बर विनती करिस लेकिन ओहर मना कर दिस। उ बड़खा बेटा हर अपन पिता ले कहिस, इस सब बछर मन मा मैं हर तोर बर ईमानदारी ले काम करें और कभू घोले तोर गोइठ ला निटारें, लेकिन ते हर कभू मोला एक ठन छोट कुन छेरी घोले नी दे ताकि मैं अपन संगवारी मन के संग भोजी कर सकूं। लेकिन तोर ई बेटा हर तोर धन ला पाप के काम करे मा नाश कर दिस और अब जब ओहर वापस आए है तो ओकर बर तिहार मनाए बर ते सबले बढ़िया बकरा ला मार डारे। पिता हर उत्तर दिस, हे मोर बेटा, ते हमेशा मोर संग हस और जोन कुछ मोरे उ सब कुछ तोरे, लेकिन हमर बर तिहार मनाए बर बढ़िया है काबर कि तोर भाई मर गे रहिस लेकिन अब ओहर जिंदा है। उ गंवा गे रहिस लेकिन अब हमन हर
ओला पाले हन। लुका अध्याय 15:11-32 ले बाइबिल के एक ठन कथा।